देखिए, ऐसे लोग अगर सियासत के अंदर हो तो हुकूमत के अंदर हो तो आप क्या तौक रख सकते हैं। इन्होंने मुझ पे हमला कर दिया कि भाई इस तरह के लोग अगर सियासत में आएंगे, आपको कैसे लोग सियासत में चाहिए? अच्छा, जाने बजाने चाहिए कि जी हमने फतह कर लिया, ना किसी को एग्जेजरेट करना चाहिए। ये आपने बड़ी बात दुरुस्त की कि जाने चाहते हैं। मैं कहता हूं किसी एक कारकुन के ऊपर डंडा नहीं बरसाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ रियासत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है। रेंजर्स और पुलिस के लोगों को इनके इंतजारी हुकूमत ने सख्तियां क्यों की? हुकूमत ने कंटेनर्स क्यों लगाए? हुकूमत ने रस्ते ब्लॉक किए? तो ये कब्रिस्तानों में जाके ताजा कब्रों की तस्वीर के साथ उन पे पीटीआई के झंडे लगा के तस्वीरें बना रहे हैं। किसी मल्ले किसी गांव के अंदर कोई ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं गौस साहब, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है। मैं मुझे मेरे रोंगटे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के सर के, इस तरह किस तरह हो सकता है? उफ, तो मैं आई हैव बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज लाइव शो में जब मंसूर अली खान ने नून लीगी कौसर काज़मी से कहा कि पीटीआई के बहुत से कारकुनान शहीद हुए, इस पर कौसर काज़मी ने कहा कि पीटीआई के जो लोग कुदरती तौर पर मर रहे हैं उनकी कब्रों पर जाकर झंडे लगाकर वो वीडियो बना रहे हैं कि ये एहतजाज में शहीद हुए। इस पर मंसूर अली खान ने कौसर काज़मी से कहा कि ये आप बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं तहरीक इंसाफ पर, मगर तरीक इंसाफ की शौकत यूसुफ जई ने क्या कहा? आए पहले आप खुद वीडियो देखें, फिर इस पर हम तफसील से बात करते हैं। देखिए, ऐसे लोग अगर सियासत के अंदर हो तो हुकूमत के अंदर हो तो आप क्या तवक्कुल रख सकते हैं? मेरा तो ये ख्याल था कि नून लीग के लोग आएंगे, पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे, जब टीवी में आएंगे तो वो जरूर इस बात पे वो करेंगे कि यार चलो अगर पीटीआई के वर्कर शहीद हुए हैं या रेंजर शहीद हुए हैं या पुलिस वाले, हम सब पे अफसोस है, लेकिन ये तो सिर्फ मानने के लिए तैयार नहीं है। कल मेरे हल्के में जनाजा हुआ है, आज मैं आ रहा था एबटाबाद में जनाजा हुआ, और ये कह रहे हैं जी, ये क्लेम कर रहे हैं कि जी ये कितने अफसोस की बात है यार, लोगों के घर उजड़ गए और ये आगे से क्या क्या एटीट्यूड है। नहीं, लेकिन वो शौकत साहब, इसकी एक रीजन जो दी जा रही है वो ये है कि आपके मुख्तलिफ लीडर मुख्तलिफ नंबर्स दे रहे हैं। सलमान अकरम राजा साहब कहते हैं 20 जो है वो हलकते हुई हैं, खोसा साहब जो है वो 200 से ज्यादा बता रहे हैं, शहबाज गिल कह रहे हैं 100 हुए हैं, आप लोगों को खुद भी नहीं पता कितने अफराद शहीद हुए हैं? देखिए, इसमें तो आपको पता है ना कि इतने बड़ी तादाद में लोग हैं तो पूरे पाकिस्तान से आए, कोई सूबे से तो नहीं आया अकेले, तो गोली किसी को देखती नहीं है कि ये पठान है, ये पंजाबी है या ये कुछ और है। गोली जिसको भी लगी है, जख्मी बड़ी तादाद में है और शहीद भी बहुत बड़ी तादाद में हुए, लेकिन अभी कैसे पता चलेगा? पता तब चलेगा जब लोग 3-4-5 दिन और गुजरेंगे, घरों में नहीं आएंगे, ठीक, या फिर या थानों में होंगे, अगर थानों में नहीं हुए तो फिर डेफिनेटली। लेकिन ये उस तरह का कार्रवाई हुई है रातों रात जिस तरह लाल मस्जिद के साथ हुई थी लाशों के साथ, तो मैं तो देखे इसमें हुकूमत को रिग्रेट करना चाहिए, ज्यादा की है, पॉलिटिकल वर्क करते हैं, हमने किसी को ट्रेन करके नहीं भेजा था कि जी गोली आएगी तो आप इस तरह अपने आप को बचाना है। ठीक, देखो सारे नौजवान थे, सियासी वर्कर थे, अगर अलियामीन गटापुर वहां रुक जाता, लोग तो कह रहे हैं ना कि वो चला गया भाग गया, और ऊपर से ये और भी तड़का डालते हैं नूनली वाले, तो देखिए अगर वो रुक जाता तो इस और भी कत्लेआम हो जाता ना। ठीक है सर, मैं सर एक और इशू जी, मैं चले जाए यहाँ से, ठीक है, क्योंकि हम उनको मारने के लिए नहीं लाए थे, क्योंकि वो उनको मरवाना था हमने, ये तो देखे गोलियां बरस रही थी, कोई बारिश नहीं बरस रही थी। मैं सर लोग क्यों भागे? मैं सर एक और इशू पे भी बात करना चाहूंगा, नुसरुल्लाह मलिक साहब हमारे साथ नाजिन मौजूद हैं। मैं अब से कुछ देर पहले जब ख्वाजा आसिफ साहब से बात कर रहा था तो मतीउल्लाह जान जो सीनियर जर्नलिस्ट हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया, मैं उनके हवाले से सवाल कर रहा था। नुसरुल्लाह मलिक साहब उसी चैनल के डायरेक्टर हैं, न्यूज और हेड करते हैं उस चैनल को। नुसरुल्लाह साहब आप शायद सुन ना सके हो, ख्वाजा आसिफ साहब ने कहा कि ये जो मतीउल्लाह जान है मैं तो उन्हें सहाफी नहीं मानता, तो इसलिए आप उस जुमरे में मुझसे बात ना करें इस हवाले से क्योंकि मैं सहाफी नहीं मानता। अब इस बात का मैं क्या जवाब दूं? मैंने कहा जी ये तो कोई तरीका नहीं है। देखिए मेरा नहीं ख्याल ख्वाजा आसिफ साहब को इख्तलाफ करना चाहिए, आप मतीउल्लाह जान की साफ़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, उनकी किसी राय से इख्तलाफ कर सकते हैं, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि वो साफ़ी नहीं है जी। वो टीवी चैनल में काम करते हैं, कई टीवी चैनल्स में काम करते रहे हैं, अपना टॉक शो करते हैं, ये उनके किसी आप नजरिए से उनकी किसी बात से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, और ना ही इस तरीके से उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए। सच्ची बात है, हम इसकी मजम्मत भी करते हैं, और किसी भी साफी की गिरफ्तारी या उसके खिलाफ मुकदमात की हम सबको मजम्मत करनी चाहिए। बिल्कुल उसी तरीके से शौकत साहब ने कहा, देखिए अगर एक शख्स भी, तादाद को छोड़ दें, मंसूर साहब अगर एक शख्स भी इस्लामाबाद में पीटीआई का आपका मेरा दोस्त भाई रेंजर से पुलिस से किसी भी तबके से अगर उसकी जान गई है तो हम सबके लिए अफसोस। एंड वाइस वर्सा, बिल्कुल, मैं अगर रेंजर्स के रेंजर्स के भी हुए किसी भी शख्स की, आपका और मेरा भाई है ना जी, वो पीटीआई का तो बाद में होगा लेकिन इंसान है, पाकिस्तानी है, हमारा भाई है, इसलिए ना इस पर खुशी के शायद जाने बजाने चाहिए कि जी हमने फतह कर लिया, ना किसी को एग्जेजरेट करना चाहिए। ये आपने बड़ी बात दुरुस्त की कि जाना चाहते हैं। मैं कहता हूँ किसी एक कारकुन के ऊपर डंडा नहीं बरसाना चाहिए, लेकिन दूसरी तरफ एक सियासी जमात को भी अगर रोका जाए, ये कहना कि जी वो रुकावटें तोड़ के चले गए, वो अबूर करके चले गए, उन्होंने कब्जा कर लिया डी चौक पर, यह कहाँ की सियासत होती है? आखिरी जुमला अगर मुझे आप कहने दें, मतीउल्लाह जान साहब की आप साफ़ से इख्तलाफ कर सकते हैं, बहुत सी चीज़ों पे हमें भी इख्तलाफ होता है, उनको भी एग्जेजरेट चीज़ों पे नहीं करना चाहिए कि आपने बगैर किसी तहकीक के कह दिया, किसी बगैर किसी रिपोर्ट के कि जी रेंजर के जवान अपनी गाड़ी के नीचे आके शहीद हो गए, ये बड़ा इल्जाम है ना जी। इन चीज़ों से मेरे ख्याल में हमारे मीडिया के लोगों को भी अवॉइड करना चाहिए और हुकूमत को भी सब्र का मुजाहरा करना चाहिए, ये तो कोई तरीका नहीं है। आप खुद भी सहाफ़ी रहे हैं सर, ये क्या हो रहा है आपकी हुकूमत में? सबसे पहले तो शौकत यूसुफ़ज़ई साहब ने कहा जी कि किस तरह के लोग आ गए हैं यहाँ पे बैठे हैं, तो इनको आदत पड़ी हुई है उन लोगों की, जिनका ना देयर ओनली एम टू डिफेम द स्टेट ऑफ पाकिस्तान,
उसके अलावा कोई नहीं है। अभी ये क्या कह रहे हैं जी, मैं से कह रहे इस्लामाबाद के नाम से ट्रेंड बन के चल रहे हैं, रियासत पाकिस्तान को पूरी दुनिया में बदनाम किया जा रहा है, रेंजर्स और पुलिस के लोगों को इनके इंतजारी शहीद करके बंगड़े डाल रहे हैं। भाई इतनी ज्यादा तादाद में अगर शहादतें हुई हैं तो वहां पे सारे जो आपके तो बड़े बड़े साफी चैंपियन बन के पूरी पूरी रात इंतजारियों के साथ कि इन्होंने किले फतह कर लिए, इन्होंने आप डी चौक का किला फतह कर लिया, इन्होंने 26 नंबर का किला फतह कर लिया, तो वो तो सारे साथ थे भाई, और अभी भी ट्वीट कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि रियासत ने बड़ा जबर और जुल्म किया है, लेकिन एक वीडियो नहीं दे सकते ये मंसूर के जिसमें कुछ चंद लाशें रोड पे पड़ी मिल जाए। जिन गाड़ियों के टूटने फूटने का इन्होंने जिक्र किया कि रियासत ने, ये देखे जी जो गाड़ियां वहां पे खड़ी थी, ये भी कहा गया कि ये जो गाड़ियों के मालकान है वो शहीद हुए हैं, अगर वो शहीद ना होते तो अपनी करोड़ों की गाड़ियां छोड़ के ना गए होते। भाई जब अली अमीन और बुशरा बीबी वहां से भागी हैं, उनकी गाड़ी पे डंडे बरसाए गए, उन्हीं लोगों ने जब देखा कि उनके लीडर भाग गए तो उन्होंने वो गाड़ियां तोड़ी, जिसका इल्जाम लग रहा है रियासत के ऊपर। तो भाई ये जो मामला आते हैं ऐसे ना करें, लोगों पर डायरेक्ट जाती हमला ना करें, जिस तरह आते ही इन्होंने मुझ पर हमला कर दिया कि भाई इस तरह के लोग अगर सियासत में आएंगे, आपको कैसे लोग सियासत में चाहिए जो पाकिस्तान डूब रहा हो, IMF को खतूत लिखे। काजमी साहब, इस प्रोग्राम के आगाज से पहले ये खबरें आना शुरू हो गई कि जनाब नैब एक दफा फिर तैयारी कर रही है बुशरा बीबी को गिरफ्तार करने की, तो लग तो इसी तरह रहा है कि मुस्लिम लीग नून के लिए सबसे बड़ी थ्रेट अगर कोई बन रही है तो वो बुशरा बीबी बन रही है। मंसूर, हम बड़ा आसान एक लाइट ले रहे हैं इस मामले को। मैंने गुज़िश्ता 2-3 हफ्तों से बारहा इस बात का इजहार किया कि इनके जो इंतजारी किस्म का एक एहतजाज है उसके अंदर ये बगैर वहां से जब ये निकले तो आपने ऐलान देखा, जिस तरह अभी मलिक साहब ने जिक्र किया कि लोगों को ये कहा गया कि आपने जो MPs हैं उन्होंने 5,000, जो MNA हैं उन्होंने 10,000 बंदे लेके आने हैं, तो एक किस्म का सख्त हुक्मनामा था उनके लिए, खासकर पंजाब के लोगों के लिए। पंजाब ने तो उनको रद्द किया और 747 का जो फार्म का बयानिया था वो भी लेट हुआ, लेकिन KP में जो जुल्म हुआ ना, ये जब वहां से निकले तो बगैर तहकीक किए लोगों को गाड़ियों में भर भर कर लेकर आते रहे। ये बारहा पूछते हैं कि हुकूमत ने सख्तियां क्यों की, हुकूमत ने कंटेनर्स क्यों लगाए, हुकूमत ने रस्ते ब्लॉक किए, तो ये इतलात तो थी ना कि भाई बगैर किसी चेकिंग के जो KP के हालात हैं वो भी आपके सामने हैं, तो वो कौन लोग थे जो इनके साथ थे, जो तरबियत याफ्ता थे, जिन्होंने फोर्सेस पे हमला किया, जिन्होंने रेंजर्स के लोगों को, जवानों को शहीद किया, पुलिस के लोगों को शहीद किया और उनसे चीजें छीनी, इनके साथ वो तरबियत याफ्ता लोग भी इनके काफिले का हिस्सा बन गए थे मंसूर, और ये हमारी मजबूरी थी अपने लोगों की जान और माल की हिफाजत करना और सरकारी अमला। लेकिन दोबारा सवाल यही है कौशिक साहब, के आप लोगों ने जिस तरह हैंडल किया है, पाकिस्तान तरीके इंसाफ कह रही है, क्लेम कर रही है कि हमारे कारकुनों को शहीद किया गया है, गोलियां चलाई गई हैं उनके ऊपर। देखिए मंसूर, अगर ये सच होता ना तो कोई 2-4-5-10 लाशें ये सामने ले आते। शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने अब से तो कुछ देर पहले एक प्रोग्राम में ये क्लेम किया है कि दो अफराद तो उनके हलके से हैं, दो अफराद उन्होंने कहा वो तो मेरे हलके से हैं, पाकिस्तान तरीके इंसाफ के कारकुन जो शहीद हुए हैं। जब लोग भाग रहे हैं वहां पे, जो फुटेजेस हैं, जो साफी वहां पे मौजूद थे, वो आप देखें कि किस तरह की एक बद्दर मची वहां पे, चाहे बेशक जो रेंजर्स हैं, जो वहां पे पुलिस, जो बाकी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी थी, उनके हाथों में डंडे और शील्ड उठाई हुई थी, वहां पे जो बद्दर मची है उसके नतीजे में अगर कोई मामला हुआ हो तो हुआ हो, लेकिन ये कर क्या रहे हैं, ये कब्रस्तानों में जाके ताजा कब्रों की तस्वीर के साथ उन पे PTI के झंडे लगा के तस्वीरें बना रहे हैं, किसी मले किसी गांव के अंदर ये बहुत बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। नहीं सर, ये बड़ा सीरियस इल्जाम है, मुझे मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं ये सोच के सर, किस तरह हो सकता है, इस तरह हो रहा है, लोगों के जनाजों के जबरदस्ती ये वर्सा बन रहे हैं, कब्रिस्तानों के अंदर ये मामला हो रहे हैं। यार जो लोग फलस्तीन सुने ना, जो लोग फलस्तीन और गजा की तस्वीरें इस्तेमाल कर रहे हैं उनसे ये बेईद है। मैं उन्हें अपना क्लेम करके जो है वो तस्वीरें वगैरह बता रही है। शौक साहब, इसका जवाब डेफिनेटली देना चाहेंगे। शौक साहब, क्या कहेंगे इस पे आप? देखिए, ऐसे लोग अगर सियासत के अंदर हो तो हुकूमत के अंदर हो तो आप क्या तवक्कुल रख सकते हैं। मेरा तो ये ख्याल था कि नून लीग के लोग आएंगे, पीपल्स पार्टी के लोग आएंगे, जब TV में आएंगे तो वो जरूर इस बात पे वो करेंगे कि यार चलो, अगर PTI के वर्कर शहीद हुए हैं या रेंजर शहीद हुए हैं या पुलिस वाले, हम सब पे अफसोस है, लेकिन ये तो सिर्फ मानने के लिए। आपने मुकम्मल वीडियो देखी, एक तरफ तो रियासत लोगों को एहतजाज का हक नहीं देती बल्कि उन पर शिलिंग की जाती है, लोगों को शहीद किया जाता है, मगर इसके बाद फिर इस पर वो पर्दा डालने की कोशिश भी करते हैं कि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, ये तरीके इंसाफ ड्रामा कर रही है, जबकि असल हकीकत आप भी जानते हैं कि पूरी दुनिया तक पहुंच चुकी है कि डी चौक में उस दिन रात को जो ऑपरेशन हुआ, कैसे लोगों को शहीद किया गया। नादिन, आप इस वीडियो के मुतालिक क्या कहना चाहेंगे? आप अपनी राय से हमें जरूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाजत। अल्लाह हाफिज़।